Hello and welcome to Study IS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSE Prelims and Mains Examination for Aja Lecture Number 13 and we're going to talk about estuaries and mangroves. So aaiye jante hain estuaries aur mangroves hote kya hain. Chaliye. Yahan dekhiye aapko ye estuarine ecosystem dikh raha hai pura. हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इकोसिस्टम कैसे कैसे डेवलप होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, चलिए. नाउ वी गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो अब एस्चुरी होती क्या है? तो इट्स अ प्लेस जहाँ पे जो आपका रिवर है या स्ट्रीम है, इट ओपन्स इनटू द सी. बेसिकली इसको जो आपका रिवर होता है, नदी होती है, उसका मुंह भी बोला जाता है, माउथ ऑफ द रिवर. इट इज़ पार्शली एनक्लोज्ड कोस्टल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर. सैलिनिटी वेराइज बिटवीन 0 to 35 PPT एंड विद वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन टू इट एंड विद अ फ्री कनेक्शन टू द ओपन सी. अब इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा रिवर्स होते हैं या स्ट्रीम होती है, वो फ्लो करती हैं और ये एक फ्री कनेक्शन जैसा होता है ओपन सी में बनाता है, जो एक फ्री कनेक्शन. ठीक है. नाउ एट द एस्चुरीज जो फ्रेश वाटर होता है, कैरियंग अ फर्टाइल सिल्ट एंड रन ऑफ फ्रॉम द लैंड मिक्सेस विद द सॉल्टी वाटर. एस्चुरीज फॉर्म अ ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन आपका इकोटून बिटवीन रिवर एनवायरनमेंट एंड द मैरीटाइम एनवायरनमेंट. तो एक ट्रांजिशन जोन किसके बीच में बनता है? रिवर एनवायरनमेंट के बीच में और मैरीटाइम एनवायरनमेंट के बीच में. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्चुरीज आर रिवर माउथ. ठीक है, कोस्टल बे हो गया आपका, टाइडल मार्शेस हो गए, लगूनस हो गए और डेल्टास. अब एस्चुरीज क्या है आपकी? दे आर फॉर्म ड्यू टू सी लेवल में एक राइज होता है. ठीक है, और मान लीजिए आपका मूवमेंट ऑफ सैंड हो गया एंड सैंड बार्स, ग्लेशियर प्रोसेसेस हो गई, टेक्टोनिक प्रोसेसेस हो गई, तो उससे दे आर बीइंग फॉर्म्ड. सो नाउ All the plants and animals in the estuaries are subjected to variations in salinity to which they are adapted. तो जो plants और animals हैं estuaries में, तो they are subjected to what? Variation, वो भी salinity में. ठीक है, उसी हिसाब से they are adapted और इसको बोलते हैं osmoregulation. तो जो estuaries हैं आपकी, they are greatly influenced by tidal action. Tidal action से ये काफ़ी ज़्यादा influenced है. They are periodically washed away by sea water once or twice a day on the number of tides. ठीक है, और in some narrow estuaries जो tidal bores हैं, they are significant और tidal bores काफ़ी डैमेज भी क्रिएट करते हैं एक estuarine ecology में. आइए आगे और जानते हैं इसके बारे में. So now we're going to talk about the importance of estuarine ecosystem. तो first of all, they are the most productive. More productive than your wetlands. Okay. So they are the most productive water bodies in the world. Because of what? Because of the mixing of fresh water and saline water zone where marine organisms of both the ecosystem meet. Jo fresh water ke aapke, theek hai, aur saline water zone ke, where marine organisms of both the ecosystem, jahan pe aapke dono hi jagah ke jo marine organisms hai, वो मीट करते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज योर एस्चुरी. ओके, एंड दे आर मोर प्रोडक्टिव. सो नाउ इकोटून, इट्स अ रीजन, इट्स अ ट्रांजिशनल जोन. जैसे कि आपका मैनग्रूव्स हो गया, वेटलैंड हो गया, एस्चुरी हो गई, ग्रासलैंड है. सो दे हैव फार ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू नेचुरल इकोसिस्टम. जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है आपका, ओशन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, रिवर राइन है और डेजर्ट इकोसिस्टम है. तो जो आपके ये मैनग्रूव्स हैं, वेटलैंड्स हैं या ग्रासलैंड्स हैं, तो दे हैव व्हाट? दे हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी देन दिस नेचुरल इकोसिस्टम. तो अब क्या है, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो वाइड रेंजिंग स्पीशीज हैं, दे आर फ्रॉम द एडजेसेंट इकोसिस्टम बीइंग प्रेजेंट इन द इकोटून. इकोटून में जो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज बीन प्रेजेंट इन द इकोटून. सो नाउ Also, an estuary has a very little wave action, so it produces a calm refuge from the open sea and hence becomes what? It becomes ideal for survival of numerous aquatic species. Now, estuaries are most heavily populated.
they have a lot of population over there, and jo areas hain, they are like throughout the world. So with about 60% of world population living along estuaries and the coast. तो करीब करीब 60% of world population जो है वो estuaries पे या फिर estuaries में रहती है. Okay. So now the vast mangrove forest on the seaward side of an estuary act as a barrier for the what? Coastal habitat. Coastal habitat के लिए जो आपका ये seaward side है estuary का वो कैसे act करते हैं? It act as a barrier. किस लिए barrier? Coastal habitat के लिए. To check the wind speeding during cyclones and high velocity landward winds. अब जो mangroves है आपका, it also act as a filter trapping suspended mud and sand carried by the rivers which leads to the delta formations around estuaries. जो estuaries के around आपको एक delta formation दिखती है वो कैसे होती है? जो mangroves हैं तो वो एक filter की तरह act करते हैं. तो क्या करते हैं? They trap suspended mud होती है, जो sand होती है, जो कि rivers की वजह से आ जाती है, तो वो एक delta form कर देती है. कहाँ डेल्टा फॉर्म करती है? एस्चुरीज के मतलब किनारों पे, इट अराउंड द एस्चुरीज. ओके. नाउ प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स इन द एस्चुराइन रीजन इज हाई बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू सलाइन वाटर. अब सलाइन वाटर प्रेसिपिटेट करता है फाइन एलुवियम. नाउ एस्चुरीज स्टोर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स. तो एस्चुरी क्या करता है? स्टोर करता है और रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को. इट ट्रैप सेडिमेंट एंड फॉर्म अ बफर बिटवीन व्हाट? कोस्टल कैचमेंट्स एंड द मरीन एनवायरनमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस बिटवीन लगून एंड एस्चुरी. अब एक लगून है, इट्स अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ लो सैंड बैक और कोरल रीफ. तो आपको यहाँ लगून दिख रहा है, ये लगून है, ये देखिए. तो अभी क्या बोल रहा है कि जो लगून है वो कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अ स्ट्रेच. स्ट्रेच ऑफ व्हाट? स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर जिसको सेपरेट किया जाता है कहाँ से? सी से, बाय अ लो सैंड बैंक और अ कोरल रीफ. कोरल रीफ या फिर लो सैंड बैंक की वजह से इसको सेपरेट कर दिया जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं. ठीक है. तो जो बैक वाटर्स हैं आपके इन केरला, दे आर मोस्टली लगून्स जहाँ पे सी वाटर फ्लोज इनवर्ड्स थ्रू अ स्मॉल इनलेट दैट इज ओपन टूवर्ड्स द सी. ओके. जैसे आप ये देखिए, जो पानी है वो सीधे यहाँ से ओशन में जा रहा है. यह दिस इज अ लगून ओवर हियर एंड इट्स अ टाइडल क्रीक, इट्स अ मार्श ओवर हियर. ओके. नाउ In estuaries, the water flows fast and strong, while in lagoons, जो water होता है वो shallower होता है और बहुत sluggishly flow करता है. ठीक है. बट estuaries में क्या है? काफ़ी तेज़ी से बहाव होता है. दूसरा, आपके जो estuaries हैं दे आर यूजली डीपर और lagoons इतने deep नहीं होते हैं. ठीक है. lagoons आपके they mostly don't have any fresh water sources, while the estuaries have at least one. ठीक है. और लगून्स दे आर मोर सलाइन देन एस्चुरीज. ठीक है. बिकॉज एज यू नो दे आर बीन सेपरेटेड बाय व्हाट? सी. ओके. सॉल्ट वाटर. तो अब लगून इज अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर. तो अब जो लगून्स हैं दे आर मोर सलाइन देन एस्चुरीज. तो लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू फॉलिंग इन सी लेवल्स, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस. फॉर एन एग्जाम्पल आपका केरला कोस्ट है. ठीक है. वेयर एज एस्चुरीज they are mostly formed due to rise in sea level. ठीक है. तो coastline of submergence, example आपका Konkan coast. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. estuarine vegetation कैसा है? Now only certain types of plants and animals are adapted to the brackish estuarine waters flourish in the estuaries. So the factors influencing the distribution of organism in an estuary, they are ड्यू टू इट्स सैलिनिटी एंड अमाउंट ऑफ फ्लडिंग. अब एस्चुरी सपोर्ट्स डाइवर्स हैबिटेट. ठीक है. जैसे कि आपका मैनग्रूव्स हो गया, सॉल्ट मार्शेस हो गए, सी ग्रास हो गई, मड फ्लैट्स हो गए. ठीक है. और एस्चुरीज काफ़ी डायनामिक होती हैं. उनकी जो प्रोडक्टिव इको सिस्टम है दे आर ड्यू टू सिंस द रिवर फ्लो टाइडल रेंज एंड सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग
इन देम. इन जर्नल जो फाइटोप्लैंकटन है आपके ऑफ एस्चुरीज, दे आर डायटम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है. एंड टूवर्ड्स द सी कोस्ट ऑफ एस्चुरी दे आर लार्ज एल्गी एंड सी ग्रासेस नियर वॉट, नियर द माउथ ऑफ द रिवर्स. ओके, अब एस्चुरीज क्या है, दे आर ऑल्सो द होम टू यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे अलग यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स भी, जैसे कि आपका सी टर्टल हो गया और सी लायन हो गया, सी कैटफिश हो गई, सॉल्ट बोट्स हो गए, एल ग्रास, सॉल्ट ग्रासेस, कॉर्ड ग्रासेस, सी ग्रास, सेज, पॉलरिश एक्सेट्रा. और एस्चुरीज दे आर ऑल्सो होम टू ऑल किंग ऑफ टेरिस्ट्रियल और लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि आपका वुडस्टॉक है, पेलिकन्स है, कॉनिफेरस है, एंड डेसिडियस ट्रीज हैं, बटरफ्लाइज हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट हैज़ अ वेरी यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर हियर, सो इट्स अ होम फॉर ऑल दीज यूनिक पीपल. चलिए आगे बढ़, इंडियाज एस्चुराइन इकोसिस्टम. तो द कंट्री हैज़, हमारी कंट्री में देयर आर 14 मेजर एंड 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर ड्रेन्स इनटू द सी थ्रू द वेरियस एस्चुरीज. अब मेजर एस्चुरीज आकर कहाँ करती हैं, बे ऑफ बंगाल में. एंड मैनी एस्चुरीज आर द लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर सी पोर्ट ऑल्सो. अब मोस्ट ऑफ इंडियाज मेजर एस्चुरीज दे आकर वेयर, दे आकर ऑन द ईस्ट कोस्ट. और इन कॉन्ट्रास्ट जो एस्चुरीज हैं ऑन द वेस्ट कोस्ट वो काफ़ी स्मॉलर है. क्यों? क्योंकि इन एनवायरमेंटल स्टडीज जो डेल्टाज आर कंसिडर्ड एज सबसेक्शन ऑफ एस्चुरीज. ओके, नाउ टू टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एस्चुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट है आपके मंडोवी और जुआरी एस्चुरीज. जैसे आपको यहाँ दिख रही है मंडोवी एरी, ज्वारी, मंडोवी और ज्वारी. वेर आर दे आर इन योर गोवा. ओके, तो ये दोनों कहाँ पर है, वेस्ट कोस्ट पे. ठीक है, दीज बोथ आर ओनली देयर ऑन द वेस्ट कोस्ट. नाउ इश्यूज ऑफ इंडियन एस्चुराइन इकोसिस्टम. तो मोडिफिकेशन ऑफ एस्चुराइन कैचमेंट्स रिजल्ट इन व्हाट, रिजल्ट इन चेंजेस इन वाटर फ्लो इन वेरियस एस्चुरीज, आइदर फार इन एक्सेस और मच लोअर देन रिक्वायर्ड. जैसे कि आपको एग्जाम्पल हो गया हुगली, गोदावरी, पुलिकाट एक्सेट्रा. तो पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रीज, कंबाइंड सिटी सीवेज एंड डिस्चार्ज. देखिए पहला क्या था आपका, मोडिफिकेशन ऑफ एस्चुराइन कैचमेंट, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, जो वाटर फ्लो है उसमें. ठीक है, जैसे आइदर दे आर फार इन एक्सेस और मच लोअर देन रिक्वायर्ड, जैसे कि आपका हुगली हो गया, गोदावरी हो गया, पुलिकाट हो गया. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पोल्यूशन. अब पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से. ठीक है, आपका कंबाइंड सिटी सीवेज डिस्चार्ज हो गया. नाउ थर्ड थिंग, रिक्रिएशनल बोटिंग एंड फिशिंग. ओके, फिशिंग सब ये ह्यूमन एक्टिविटी है. ठीक है, एंड नेविगेशन, ड्रेजिंग एंड शिपिंग, इट हैपन्स एट हुगली. ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो दिस इज लाइक हमारी जो वाटर बॉडीज हैं दे आर बीन अफेक्टेड ड्यू टू लाइक मोस्ट ऑफ दिस हैपन ड्यू टू अर्बनाइजेशन. क्योंकि शहरीकरण हो रहा है ना, तो उसमें क्या है, अर्बन सेटलमेंट हो गई आपकी, जो रूरल सेटलमेंट है. ठीक है, माइनिंग होगी, माइनिंग से आपको पता ही, माइनिंग है या इंडस्ट्रीज हैं तो केमिकल्स वगैरह, एग्रीकल्चर हो रहा है, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हो रहा है. तो ये क्या करती है, सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. ठीक है, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है किसका, टारगेट फिश स्टॉक का, ड्यू टू व्हाट, इंक्रीज डिमांड. अब लोग अगर कंजप्शन है किसी चीज़ का तो वो उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन भी होता है क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है. ठीक है, नाउ रिक्लेमिंग द फ्रिंज्ड एरियाज फॉर इंटेंसिव एक्वाकल्चर एंड पेंस, ऑब्स्ट्रक्टिंग द माइग्रेटरी रूट्स ऑफ फिश एंड प्रॉन रिक्रूटमेंट, जैसे कि आपका चिल्का हो गया और पुलिकाट हो गया. पल्यूटिंग द इन्वायरमेंट थ्रू फीडिंग ऑफ स्टॉक्ड फिश एंड प्रॉन एंड पेंस.
ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू प्रॉन सीड कलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ स्मॉल मेज नेट्स, जो कि आपका हुगली पे होता है, चिल्का पे होता है, पुलिकाट पे होता है, सबमर्जेंस ऑफ कैचमेंट एरियाज ड्यू टू राइजिंग इन वाटर लेवल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनग्रूव्स. अब मैनग्रूव्स क्या होते हैं? तो मैनग्रूव्स क्या है, दे रिप्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक्स लिटोरल, दे आर नियर द सी शोर्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आते हैं ये, ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट ग्रो इन व्हाट, दैट ग्रो इन शेल्टर्ड लो कोस्ट, जैसे कि आपकी एस्चुरीज, मड फ्लैट्स, टाइटल ग्रीक्स और बैक वाटर्स. ओके, तो कोस्टल वाटर्स हेल्ड बैक ऑन दी लैंड इज नोन एज योर टाइडल क्रीक बैक वाटर्स. मार्शेज हो गए आपके एंड लगून्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं, दे ग्रो बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स. ओके, एंड द बेस्ट लोकेशन आर वेयर अबंडेंट सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स और ऑन द बैक शोर ऑफ एक्सक्रीटिंग सैंडी बीचेस. तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं, दे आर हाईली प्रोडक्टिव इको सिस्टम, ठीक है. एंड द ट्रीज में वेर आई इन हाइट ऑफ 8 to 20 meters और दे प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामीज एंड दे आर ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर मैनी कमर्शली इम्पॉर्टेंट फिशेस. ओके, तो सिंस मैनग्रूव्स दे आर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एंड सी, दे रिप्रेजेंट वॉट, दे रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ इको टून. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं किसका, इको टून का. क्यों? क्योंकि ये कहाँ लोकेटेड है, लैंड और सी के बीच में, मध्य में, ठीक है. नाउ मैनग्रूव्स आर श्रब्स और स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन वॉट, कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर, ठीक है. तो मैनग्रूव्स दे आर श्रब्स और mangroves are salt tolerant trees, also called halophytes. Okay, जो salt tolerant trees हैं आपकी उनको क्या बुलाते हैं, halophytes. और ये adapted होती हैं harsh coastal condition के. जो mangrove vegetation है वो facilitate करती है more water loss, क्योंकि यहाँ पर जो leaves हैं they are thick और वो contain करती हैं salt secreting glands, ठीक है. तो some block absorption of salt at their roots itself. So they contain a complex salt filtration system and complex root system to cope with salt water immersion and wave action. So basically they are adapted to low oxygen, anosic hote hain ye, conditions of waterlogged mud, or they also produce blind roots to overcome the respiration problem in the anaerobic soil condition. And mangroves occur worldwide in the tropic and subtropic areas, mainly jahan pe latitude hai aapka 25 degree north and 25 degree south. So they also require high solar radiation, kis liye, to filter saline water through their roots. Or this explained why mangroves are confined only to tropical and subtropical coastal waters. तो मैनग्रूव्स दे आकर इन अ वेराइटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे जो स्पीशीज हैं आपकी राइजोफोरा है, ठीक है, सेंड आर्किंग प्रूफ रूट्स डाउन इनटू द वाटर, और वाइल आदो लाइक एविसिनिया सेंड वर्टिकल न्यूमैटफोर्स और एयर रूट्स आर फॉर द फ्रॉम द मड. नाउ एडवेंटिशियस रूट्स हैं यहाँ पे विच इमर्ज फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ अ ट्री, ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल, और इनको स्टिल रूट्स भी बोला जाता है, ठीक है. नाउ मैनग्रूव एग्जिबिट विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सीड्स हैं दे जर्मिनेट इन द ट्रीज इट्सेल्फ बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड. दिस इज एन अडैप्टिव मैकेनिज्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सलाइन वाटर. नाउ मैनग्रूव्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो जो आपके मैनग्रूव्स हैं, द मैनग्रूव्स ऑफ सुंदरबन, दे आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैनग्रूव्स ऑफ द वर्ल्ड. And this mangrove forest is famous for what? Royal Bengal tigers and crocodiles. ठीक है, अब जो आपका mangrove area है, ये are being a cleared for agriculture use. ठीक है, completely agriculture use के लिए है ये. और जो the mangroves of Bhitarkanika है उड़ीसा में, which is the second largest one, ठीक है, in the Indian subcontinent. Harbour high concentration है
of typical mangrove species and high genetic diversity है. Mangrove swamps हैं जो occur करते हैं profusion in the intertidal mudflats on both the sides of creeks in the Godavari Krishna deltaic regions of Andhra Pradesh. तो जैसे कि mangroves of Pichavaram है या Vedranyam है, they are degraded mainly due to what? Construction of aquaculture हो गया आपका और salt pan की वजह से, ठीक है. तो on the west coast of India जो mangroves हैं they are mostly scrubby and degraded, occur along the intertidal region of estuaries and creeks in Maharashtra, Goa and Karnataka, ठीक है. और जो mangroves vegetation coastal zone में है, coastal zone of Kerala, वो काफ़ी sparse है और काफ़ी thin. तो अब जो गुजरात में है, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे mangroves हैं आपके, वहाँ पे लाइक एविसिनिया मरीन, एविसिनिया ऑफ राइजोफोरा, मुक्रोनोटा आर फाउंड मेनली इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड द कोरी क्रीक. तो mangroves आर ऑफ स्क्रबी टाइप विथ stunted ग्रोथ, ठीक है, फॉर्मिंग नैरो discontinuous patches on soft clay mud. तो mangroves कैसे हो गए आपके, स्क्रबी हैं, ये काफ़ी stunted ग्रोथ है यहाँ पे और एक नैरो फॉर्मेशन है discontinuous patches जैसी, ठीक है, ऑन वॉट, ऑन सॉफ्ट क्ले मड, ठीक है. ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं राइजोफोरा रेड मैनग्रूव, ठीक है. अब आगे बढ़ते, तो कंडीशन कैसी, द कंडीशन ऑफ मैनग्रूव इज इम्प्रूविंग स्पेशली इन कोरी क्रीक रीजन. कैसे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज अ पेलियो डेल्टा ऑफ इंडस रिवर, वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडस डेल्टा, ठीक है. और इन दिस इन साइज मैनग्रूव रेंज फ्रॉम बुशी स्टैंड ऑफ ड्रॉप मैनग्रूव्स फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ टू टॉलर स्टैंड फाउंड इन दी सुंदरबंस. ऑन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द स्मॉल टाइडल एस्चुरीज एंड द लगून सपोर्ट अ डेंस एंड डाइवर्स अनडिस्टर्ब्ड मैनग्रूव फ्लोरा. अब इम्पोर्टेंस क्या होती है मैनग्रूव की, जो मैनग्रूव प्लांट्स हैं आपके, दे हैव additional species roots such as your prop roots, pneumatophores which help to impede water flow and thereby enhance the deposition of sediment in areas jahan pe where it is already occurring, stabilize karte hain the coastal shores, provide a breeding ground for fishes, okay. And mangroves are moderate, they have moderate monsoonal tidal floods and it reduce inundation of coastal lowlands, they prevent coastal soil erosion, they protect coastal lands from tsunami, hurricanes and floods. Mangrove enhance karte hain natural recycling of nutrient ko, mangrove support karte hain aapki numerous flora ko, avifauna ko aur wildlife ko. They also provide safe and favorable environment for your breeding, spawning, rearing of several fishes or they supply woods, firewood, medicinal plant, edible plant to the local people. Or they also provide what? Numerous employment opportunities to the local community and augment their livelihood. Ab threat kya hai mangrove ke liye? So threat to wahi hai, they destroy for conversion of area for agriculture purposes, fuel ke liye, fodder ke liye, सलाइनाइजेशन के लिए, माइनिंग के लिए, ऑयल स्पिल्स के लिए, एक्वा कल्चर के लिए, श्रिम्प फार्मिंग जो होती है आपकी, ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ठीक है. अपने फ़ायदे के लिए हम सारी चीज़ें खराब कर देते हैं. सो गाइज, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग अप विद कोरल रीफ टॉपिक एंड आई होप कि आपको मैनग्रूव्स ऑफ एस्चुरीज समझ में आ गया होगा. इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी यू नो आपके जितने भी फीडबैक होगा, जैसा भी होगा, ठीक है, उस हिसाब से आई विल श्योरली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड विल ऑल्सो फोकस ऑन वट एवर थिंग्स यू विल टेल, ओके. एंड गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज कोड स्टडी IS. And if you have any kind of query, join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us.
Thank you guys. Have a lovely day and be happy. Stay happy. Bye.